स्टूडेंट्स तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो देखिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है डिस्कस द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड हैंस डिफाइन द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हमें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को डिफाइन करना है और साथ में ही टेम्परेचर के काइनेटिक इंटरप्रिटेशन को समझना है जरा देखिए हम एक फॉर्मूला किया था लास्ट टाइम P इज इक्वल्स टू वन बाई थ्री डेंसिटी इनटू आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर एक्चुअली शायद हमने जो लास्ट टाइम वीडियो की थी उसमें रिलेशनों कुछ इस तरीके से रीड किया था वन बाय थ्री सिग्मा सी स्क्वायर क्लियर है ये सेम वही रिलेशन है एक्चुअली सिग्मा भी डेंसिटी को डिनोट कर रहा था वहां पर हमने यहाँ पर डेंसिटी को डिनोट किया है रो से बात एक है यहां सिग्मा से कर लो रो से कर लो नो प्रॉब्लम सी आर एम एस विलोस्टी थी यहाँ पर वी भी हमारी क्या है आर एम एस विलोस्टी है वी आर एम एस स्क्वेयर किया हमने क्या किया यहाँ पर वी आर एम एस का स्क्वेयर ऐसे लिखा हुआ है देखिए वी आर एम एस स्क्वेयर ये ऐसे लिखा है मतलब सी की जगह हमने ये लिख दिया अब क्लियर है ना तो सेम रिलेशन है एज इट इज बस सी की जगह लिख दिया हमने और जो रो है रो की जगह हमने सॉरी सिग्मा की जगह हमने रो लिख दिया बात एक ही है तो अब देखिए आप डेंसिटी क्या होती है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम क्लियर है तो अब ये V जो है इसको हम इस तरफ ले आए लेफ्ट साइड में ले आए तो पी वीज इक्वल बच गया वन बाई थ्री एम वी आर एम एस का स्कूल क्लियर है बेटा समझ में आया और M क्या है यहां पर मोलिकुलर मास ऑफ द गैस कैपिटल M क्या है मोलिकुलर मास ऑफ द गैस अभी आपको पता है कि एक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी अगर हम गैस के मोल्स को कितने लें वन मोल ऑफ गैस लें तो एन की वैल्यू वन तो pv की वैल्यू क्या हो जाएगी rt pv is equals to rt अच्छा तो देखिए यहां पर अभी pv की वैल्यू यहां तो 1/3 mv2 थी और यहां है pv की वैल्यू rt तो ये आपस में भी दोनों एक दूसरे के क्या हो गए अब इक्वल क्योंकि ये भी pv के इक्वल ये भी pv के इक्वल तो दोनों आपस में भी इक्वल तो ये यह तो यहां से 1/3 mv2 यहां से rt हमने पिक किया क्लियर है बेटा अच्छा अब यहां से vrms निकालना है हमें देखिए जरा वी आर एम एस का स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू ये थ्री ऊपर ले गए हम थ्री आर टी और डिवाइड बाय आ गया एम क्लियर है तो वी आर एम एस का स्क्वेयर हमारे पास ये आ चुका है अभी हमें यहां से निकालना है वी आर एम एस तो स्क्वेयर हटाओ यहां अंडर रूट लगा दो तो ये वैल्यू आ गया अपने पास क्लियर है बेटा समझ में आया तो आर एम एस वेलोसिटी की वैल्यू ये है आपको याद रखनी है अंडर रूट थ्री आर टी अपॉन फॉर्मूला आपको नोमरिकल वगैरह में कहीं पे भी यूज हो सकता है तो यह वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और एम क्या है यहाँ पर मास ऑफ द गैस अच्छा देखिए अगर किसी गैस का टोटल मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है तो एक काम कीजिए उस गैस के एम क्या है मान लीजिए स्मॉल एम लेते हैं हम मास ऑफ द मोलिक्यूल एक मोलिक्यूल का मास उसको एवोगेटो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए एक मोलिक्यूल के मास को एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो गैस का टोटल मोलिकुलर मास आ जाएगा हमारे पास क्लियर है समझ में आया तो इस एम की जगह हमने पुट किया एम इन एन ए कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम इंटू एन ए यहां पर था देखिए इस एम की जगह स्मॉल वी आर एम एस स्क्वे एज इट इज वन बाई थ्री एज इट इज आर टी एज इट इज क्लियर है बेटा ये फॉर्मूला आपने अलग से याद रखना है अच्छा ये एक रिजल्ट आ चुका है हमारे पास और अच्छा अब यहां पर देखिए आप मैंने ये वन बाई थ्री था मैंने इस तरफ थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई किया और इस तरफ भी थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई किया कोई फर्क नहीं आएगा कर सकते हैं दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है यहां भी थ्री बाई टू से किया यहाँ भी थ्री बाई टू से अब देखिए इस थ्री से ये थ्री कैंसर तो क्या बचा बेटा हमारे पास वन बाय टू एम एन वी स्क्वेयर आप चेक कर सकते हैं यहां पर देखिए जरा हमारे पास आ चुका है वन बाय टू एम एन वी स्क्र और राइट साइड में क्या बचा था थ्री बाय टू आर टी क्लियर है अभी हमें रखना है इस तरफ वन बाय टू एम एज इट इज रखा v स्क्वेयर ये भी एज इट इज रखा ये n जो है उसको इस तरफ में डिवाइड में ले आया ये n इस तरफ डिवाइड में आ गया

ओके इक्वल्स टू थ्री बाय टू आर बाय एन की वैल्यू तो के बोल्टेजमैन कॉन्स्टेंट और ये टी का टी तो बेटा ये रिजल्ट अपने पास आ चुका है बात समझ में आई है हाफ मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस के मोलिक्यूल्स की गैस के मोलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आई है बेटा थ्री बाई टू के बी टी के है बोल्टेजमैन कॉन्स्टेंट वैल्यू उसकी फिक्स है ये क्लियर है आई ये समझ में आया होगा बेटा अच्छा यहां से काली टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी टेम्परेचर घटेगा तो ये भी घटेगी. क्योंकि बाकी टर्म तो कॉन्स्टेंट है क्लियर है बेटा अच्छा आप एक चीज देखिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को हमें डिफाइन करना है किसको डिफाइन करना है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को अगर यहां टेम्परेचर जीरो हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी जीरो अगर टेम्परेचर जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी जीरो तो यहीं से डेफिनेशन आई है इफ टी इज जीरो टेम्परेचर जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर है एट विच मोलिकुलर मोशन सीजेस और द मोलिकुलर मोशन स्टॉप्स क्लियर है ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर मोलिकुलर मोशन क्या हो जाए रुक जाए गैस का उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट या जीरो अगर टी जीरो हो जाए जीरो कैलोविन ले हम तो ये आंसर भी जीरो हो गया तो यानी एब्सोल्यूट जीरो पर गैस का मोलिकुलर मोशन स्टॉप हो जाए क्लियर है बेटा आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा अच्छा ये रिजल्ट आपको याद रखना है यहां से आर एम के लिए फॉर्मूला ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी क्लियर है <coughs> अच्छा अगर हम वी की वैल्यू निकालें यहां से सिंपली तो वो अपने पास आया था रूट टी के प्रोपोर्शनल आएगी ये वी स्क्वेयर था ना इधर इधर टी तो अगर खाली वी निकाल लें तो वो रूट टू के प्रोपोर्शनल आएगी तो ये रिजल्ट आपने याद रखने हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी थ्री बाय ऑफ वन मोलिकूल आई थी थ्री बाय टू के बी टी ये रही एवरेज देखिए थ्री बाय टू के बी टी क्लियर है तो ये रिजल्ट आपको कुछ याद रखने हैं ठीक है बेटा तो मिलते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय थैंक यू एंड अ नाइस डे